एक बार फिर से स्वागत हो गया आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टार ड्रीम फैंटेसी पर। और आज का मुकाबला जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, IPL 2024 का मैच नंबर 55 जो कि मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच में 6 मई इनर टाइम के अकॉर्डिंग 7:30 शाम टाइम में दोस्तों यह मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के पिच पर खेला जाने वाला है। दोस्तों आपको पता है मुंबई इंडियंस टीम इसी वेन्यू पर अभी रिसेंट खेल करके आ रही है और हार करके भी दोस्तों आ रही है KKR से। और आपको पता है कि KKR ने उतना अच्छा हाई स्कोर नहीं किया था, बट फिर भी मुंबई इंडियंस टीम जो है चेस नहीं कर पाई। हालांकि दोस्तों दोनों टीमें कौन सी हैं आपको पता होगा, जो कि हैदराबाद में मैच हुआ था उसमें क्या हुआ था भाई, हैदराबाद टीम ने भाई हाई स्कोर बनाया था 187 का अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। क्या इस मैच पर कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पिच जो है वो थोड़ी सी अलग है। वानखेड़े स्टेडियम में आपको पता है कि यहाँ पर जो पावर प्ले में विकेटें गिरती हैं वो भाई आप सभी लोगों ने देखा, चाहे टीम दोस्तों कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो यहाँ पे पावर प्ले में विकेट जरूर गिरती है। जैसे कि KKR की तरफ से आपने सुनील नारायण फ्लिपसार्ट को यहाँ पे फ्लॉप होते हुए देखा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज सभी लोग नोटिस जरूर कर रहे हैं कि यार हैदराबाद पहले बैटिंग करेगी तो हेड को कैप्टन कर दूंगा, अभिषेक को चूज कर लूंगा या दोस्तों क्लेसन को। बट दोस्तों इस वेन्यू पर क्या है, जो टीम पहले बैटिंग करती है भाई पावर प्ले में लगातार विकेटें गिरती आई हैं। हालांकि रोहित शर्मा इस मैच में फिर से ड्रॉप करने लायक खिलाड़ी होंगे या दोस्तों फिर यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ अच्छा रन बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पिच दोस्तों बात करेंगे, बैटिंग पिच होगी या दोस्तों बॉलिंग पिच होगी, पेसर या स्पिनर किसको ज्यादा यहाँ पे विकेटें मिलती है, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी कौन से होंगे, जैसे कि लास्ट मैच में आपने देखा था नुवान तुसारा भाई हाई विकेट निकाली और उससे पहले उस खिलाड़ी ने कुछ खास किया नहीं था दोस्तों। तो सारी चीजें आपको वीडियो में देखने और समझने को मिल जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो देखना है। पहले दोस्तों आपको बताता हूं एक ऐसे ऑफर के बारे में जो कि फैंटेसी की दुनिया में ना ही आपने देखा है ना ही दोस्तों आपने सुना है, मतलब कि दोस्तों एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरे के पूरे दोस्तों 5 टीम आप बना सकते हो, 5 मेगा कॉन्टेस्ट खेल सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में। कैसे दोस्तों ये आपको आगे वीडियो में देखने को और समझने को मिल जाएगा। हालांकि वीडियो अगर आपको पसंद आती तो लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि आपको पता है लगातार भाई हमारा प्रेडिक्शन कैसा जा रहा है, किस हिसाब से हमारी टीमें जा रही हैं, अच्छा खासा दोस्तों रैंक अच्छा खासा प्रॉफिट। जैसे कि लास्ट मैच आपने GT और RCB वाले में देखा होगा कि हमारी टीम क्या थी, जोशुआ लिटिल दोस्तों टीम में मौजूद वाइस कैप्टन साथ साथ, और ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी जैसे कि डेविड मिलर शाहरुख खान ये सारे के सारे खिलाड़ी दोस्तों जो है हमारी टीम में मौजूद थे जो कि लोवेस्ट सिलेक्शन खिलाड़ी थे। पिच के बारे में दोस्तों देखिए ज्यादातर आपको बताना चाहूं तो पिच देखिए कहीं ना कहीं बैटिंग के फेवर में जाती है, बाकी इस सीजन में आप क्या देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे पिच जो है वो बैलेंसड हो रही है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, बट दोस्तों यहाँ पे विकेटें लगातार गिर रही हैं, चाहे वो फर्स्ट इनिंग में हो चाहे वो दोस्तों सेकंड इनिंग में हो। हालांकि टोटल मैचेस की बात करेंगे यहाँ पे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 116 IPL मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें कि दोस्तों जो टीम पहले बैटिंग करी है उसने 53 जीते और चेस करने वाली टीम ने दोस्तों 62 विन करे। लास्ट मैच का क्या रिकॉर्ड है, यहाँ पे चेस करने वाली टीम हार गई थी, 170 का स्कोर चेस नहीं कर पाई यानी कि मुंबई इंडियंस। एंड दोस्तों पिच देखिए बैटिंग पिच रहती है। अब दोस्तों आप लोग ये सोचेंगे यार मैं बैटिंग पिच क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इस सीजन ये पिच बैलेंसड हुई है, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे हाई स्कोर बना है, तो इस कंडीशन में क्या समझेंगे, फर्स्ट वाला देखेंगे कि यहाँ पे सेकंड वाला देखेंगे या थर्ड वाला जो मैचेस खेले गए, तो मैं दोस्तों आपको बताऊंगा यही कि आप वीडियो देखिए, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देख कर समझ जाएंगे कि यार यहाँ पे बैट्समैन ज्यादा लेकर चल रहे हैं इस मैच में कि बॉल्स लेकर चल रहे हैं। एंड फिलहाल यहाँ पे हाई स्कोर देख सकते हैं 235 का बना है, लोवेस्ट यहाँ पे 67 रन पे टीमें ऑल आउट भी हुए, 150 का स्कोर दोस्तों यहाँ पे 27 बार बना है, 150 से 169 के बीच में 27 बार बना है, 170 से 190 के बीच में दोस्तों 34 बार स्कोर बन चुका है, बाकी 190 प्लस का स्कोर भी यहाँ पे 28 बार बन चुका है। हालांकि दोस्तों वो बात अलग है कि भाई मुंबई इंडियंस आउट ऑफ फॉर्म चल रही है तो कुछ खास हो नहीं रहा है, बाकी आपने देखा कि भाई KKR की तरफ से टॉप ऑर्डर के बैट्समैन फ्लॉप भी थे बट वेंकटेश अय्यर ने ठीक ठाक स्कोर भी दोस्तों किया। ये वाला मैच की बात हम कर रहे थे जो कि आपको मैंने बताया है, ये आपने कवर किया होगा दोस्तों तो आपको जरूर पता होगा KKR 169 का स्कोर किया था, ठीक है, ऑल आउट हो गई थी टीम। हालांकि फर्स्ट इनिंग में पेसर को 8 विकेट मिली थी और स्पिनर को भी 1 विकेट यहां पे मिल गई थी। सेकेंड इनिंग में MI ने भाई 145 पे ऑल आउट हो गई थी, मतलब पूरी 10 विकेटें गवा दी 19 ओवर में, और पेसर को 6 विकेटें थी सेकेंड इनिंग में और स्पिनर को दोस्तों यहां पे 4 विकेटें मिल गई थी। और यहां पे CSK और MI, CSK 206 का स्कोर किया, MI 186 का स्कोर, हालांकि यहां पे पेसर को 9 विकेटें थी और स्पिनर को दोस्तों 1 ही विकेट मिली। RCB 196 का स्कोर, MI चेस कर ली गई 199 का, दोस्तों आपको पता RCB का बॉलिंग लाइनअप कहीं ना कहीं कमजोर था और यहाँ पे 9 विकेटें पेसर को मिली थी और दोस्तों स्पिनर को यहाँ पे 2 ही विकेटें। हालांकि दोस्तों देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि ये बैटिंग पिच है तो आप अगर यहाँ पे विकेटें गिर गए तो आप कहेंगे यार बैटिंग पिच नहीं है, अगर यहाँ पे दोस्तों फिर से ये वाला स्कोर हो गया 196 199 या प्लस का हो गया तो आप कहेंगे यार
भाई ठीक है यार बैटिंग पिच थी। तो गाइज यहाँ पे हमें दो ग्रैंड लीग टीम बनाने की आवश्यकता होने वाली है। एक पिच जो रहेगी वो हमारी सोलो पिच को माध्यम दोस्तों रहेगी कि सोलो पिच रहने वाली फिर से। अगर एक टीम जो हमारी दूसरी रहेगी वो दोस्तों रहेगी हमारी बैटिंग फ्रेंडली पिच, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये पिच बैटिंग के फेवर में जाएगी उस कंडीशन में, अगर यहाँ पे हैदराबाद जब फर्स्ट बैट करेगी दोस्तों तब। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे लास्ट जो कि 10 मैचेस खेलेंगे पेसर या स्पिनर किसको ज्यादा विकेटें मिली है, तो गाइज यहाँ पे पेसर को 74 विकेटें मिली और स्पिनर को 45। मतलब कहीं ना कहीं पेसर बॉल्स यहाँ पे कमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि एसआरएस की तरफ से रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हिटवेट की बात करेंगे दोनों टीम के बीच में टोटल जो है 22 मुकाबले खेले गए जिसमें दोस्तों एमआई ने 12 विन करे और यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद ने भी 10 विन करे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हैदराबाद इस वेन्यू पर अगर चेज करते थोड़ा सा सोचेंगे कि कहीं ना कहीं एमआई डिफेंड कर जाएगी। बाकी अगर यहाँ पे हैदराबाद पहले बैटिंग करती गई तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि एमआई चेज कर पाएगी, क्योंकि दोस्तों हैदराबाद के पास कहीं ना कहीं बॉलिंग लाइनअप भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। रीसेंट फॉर्म आपको पता भाई हैदराबाद कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, पॉइंट टेबल और चौथे नंबर के बीच दोस्तों कहीं ना कहीं ये टीम खेल रही है और एमआई तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं लगातार लॉस में है और इस टीम का दोस्तों क्वालिफाई करना मतलब एकदम नो जो कि इम्पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है, नामुमकिन है। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं कि कैसे आपको 5 टीम मिलेंगी सिर्फ 1 रुपये में। दोस्तों जो टाटा आईपीएल का मैच होने वाला 6 मई को, ठीक है, जिस मैच की हम बात कर रहे हैं मुंबई और हैदराबाद के बीच में, इस मैच से पहले आपको इस वीडियो को कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डाउनलोड करना होगा माई 11 सर्कल एप्लीकेशन को और टीम बनाइए दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करो, रजिस्टर करने के बाद अगर आप 1 घंटे के अंदर मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो गाइस आपको मिलेगी जो इंटरफेस रहेगी वो सिर्फ 1 रुपये। मतलब कि दोस्तों आप 5 टीम बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये, 5 रुपये में दोस्तों आप 5 मेगा कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। मतलब कि दोस्तों जहां पे फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ का आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों 1 करोड़ से भी बड़े बड़े प्राइजेस यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, आप सोचिए कितने बड़े बड़े प्राइस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों अगर आप यहां जाकर के मेरा कूपन कोड यूज करते हो LIFE20 तो दोस्तों आपको फर्स्ट डिपॉजिट पर यहां पे 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलने वाला है। मतलब मान लीजिए यहां पे 200 रुपये डिपॉजिट करेंगे पहली बार तो आपके जो माई 11 सर्कल पे टोटल कैश जो कि जाएगा गाइस 240 का। अगर यहाँ पे 500 करेंगे तो 600 आपको मिलेगा, 1000 करेंगे तो 1200 रुपये दोस्तों आपको मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट पहली बार डिपॉजिट करना चाहते हैं और कितना फायदा लेना चाहते हैं गाइस। एंड 1500 का बोनस कैश भी दोस्तों मिल रहा है जो कि लगातार आपको पता है। एंड साथ साथ यहाँ पे हर मैच में आप 1500 का जो बोनस कैश मिलेगा ये यूज होगा दोस्तों। तो डाउनलोड कर लीजिए, 110% ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और दोस्तों जेन्युइन एप्लीकेशन है। और आपको मैं बता दूंगा, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंपैक्ट और सब्स्टिट्यूट में जो कंफ्यूजन है गाइस ना, जो प्रॉब्लम आपको अदर फैंटेसी एप्लीकेशन पर आती है यहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल नहीं आती। तो आप लोग फटाफट डाउनलोड करके खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम की दोस्तों अपडेट और फ्री टीम के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर आना होगा। हालांकि मैं यही कहूंगा कि वीडियो को अगर आप नहीं लाइक करते तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो कोई बात नहीं, बट दोस्तों यहां पे आ जाइए क्योंकि यहां पे लास्ट टाइम की जो कि दोस्तों हमारी डिस्कस के अकॉर्डिंग टीम होती है वो मिल जाती है। करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाना, वहां से लिंक मिलेगा जो कि ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल डाउनलोड नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ज्वाइन करिए। एंड फिर यहां पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिलेगी, किसी पर क्लिक करते हैं तो आप फाइनली यहां पे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे हैदराबाद की तरफ से जो कि आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 मिलने वाली जो बैटिंग ऑर्डर रहेगा, जहाँ पे दोस्तों आपको पता ओपनिंग जो है हेड और अभिषेक शर्मा करते हैं। एंड फिर यहाँ पे अनमोल प्रीत सिंह जो कि आपको रिसेंटली देखने को मिले थे, हालांकि दोस्तों उतना खास खिलाड़ी जो कि इस सीजन नहीं दिखा है। बाकी क्लेशन एंड फिर यहाँ पे नितेश रेड्डी, फिर यहाँ पे अब्दुल समद एंड शबाज अहमद, लेकिन आपको मिलते हैं यहाँ पे माको जेनसन, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, नटराजन एंड दोस्तों जयदेव उनाडकट, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर दोस्तों ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे, अगर ये पहले बॉलिंग करती है टीम तो फिर कहीं ना कहीं आपको हेड या अनमोल प्रीत सिंह ये जो कि फिलहाल जो कि सब्स्टिट्यूट में मिल जाएंगे, फिर सेकंड इनिंग में बैटिंग करेंगे और ये फिर लाइनअप में दोस्तों आ जाएंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे बात करेंगे बॉलिंग ऑर्डर के बारे में, दोस्तों आपको पता है स्टार्टिंग में जो यहाँ पे आपको ओवर मिलते हैं भुवनेश्वर और नटराजन उनाडकट के द्वारा, देश में पैट कमिंस, भुवनेश्वर और नटराजन दोस्तों। दोस्तों अब बात कर लेंगे हैदराबाद की तरफ से जो आपने पॉसिबल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर देखा, हालांकि यहाँ पे कौन कौन से खिलाड़ी हमारे फैंटेसी टीम में होने चाहिए। हेड और अभिषेक शर्मा ये ओपन करते हैं, तो हेड के बारे में बात करते हैं गाइस। तो आपने इस खिलाड़ी का रीसेंट फॉर्म देखा ही होगा, 58/13, 1 यहाँ पे 89/102 रन की पारी। और दोस्तों ये कब आई, जब फर्स्ट बैट हैदराबाद कर रही थी दोस्तों, फर्स्ट बैटिंग कर रही थी तब इन्होंने ठीक ठाक रन बनाए। हालांकि चेज करते हुए 2 इनिंग आप देख सकते हैं 13 और यहाँ पे दोस्तों 1, ठीक है। तो चेज करते हुए कहीं ना कहीं ये फ्लॉप हो रहा है, बट वेन्यू का क्या रिकॉर्ड है कि यहाँ पे पावर प्ले में दोस्तों विकटें गिरती हैं। बट दोस्तों एक चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे कि CSK और MI वाला मैच हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था, CSK की तरफ से ओपनिंग देखने को मिली थी गायकवाड़ और जहाँ तक रहाड़े ने दोस्तों ओपनिंग करी थी, फिर क्या हुआ था गायकवाड़ बच गए थे, रहाड़े आउट हो गए थे और गायकवाड़ ने लंबी पारी खेली। तो गाइस कहीं ना कहीं भाई जो कि हेड है ये थोड़ा समझदारी से भी खेल रहे हैं। लास्ट मैच आपने देखा होगा कि
उतना ज्यादा दोस्तों इनका स्ट्राइक रेट हाई नहीं था, मतलब कि स्लो खेल रहे थे, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं यार फर्स्ट बैट करते हुए यूनिक कैप्टन वर्स कैप्टन आपको ट्राई करके चलना। हालांकि चेज करते हुए मैं यही कहूंगा कि अगर आप दो ग्रांड लीग के टीम के साथ चलते हैं तो फिर कैप्टन वाइज कैप्टन ना करिएगा और ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन हाई रहने वाला है। अगेन एमआई 3 मैच में 111 रन दोस्तों, 37 का औसत है। वेन्यू पे 2 मैच 49 रन और 24 का औसत है गाइस। ओवरऑल आईपीएल 19 मैच 601 रन 37 का औसत। आप लोग सोच रहे हैं यार इस सीजन ये आया तो इतना ज़्यादा रिकॉर्ड कैसे, तो गाइस आपको बता दूं कि ये पहले भी खेल चुका है हालांकि आरसीबी टीम से भी दोस्तों, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो इनके साथ ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा, जो कि आप देख रहे हैं खिलाड़ी भाई स्लो खेलता ही नहीं है, हालांकि रिसेंट 12 और यहाँ पे 15 31 46 34 हालांकि सीबीसी वाला और परफॉर्मेंस इसने ज़्यादा खास दिया नहीं दोस्तों। बाकी अगेन एमआई 8 मैच 135 रन 19 का औसत है, 2 विकेटें भी चटकाई हैं। वेन्यू पे 5 मैच 119 रन 23 का औसत है गाइस, टीम में रख लीजिएगा। हालांकि यही कहूँगा कि आप ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। और दोस्तों एक चीज़ ये भी बताता हूँ कि अगर ये खेलेगा तो गाइस लंबी पारी भी खेल सकता है, पिच काफ़ी बढ़िया है बैटिंग के लिए, बट जल्दी आउट टीमें हो जाती हैं, जल्दी विकेटें गिर जाती, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं मैं ये सोचूंगा 30 से 40 पॉइंट्स एक्सेप्ट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा रन ये बनाने वाले हैं। बाकी अगर हम देखेंगे तो चेस करते हुए कहीं ना कहीं हेड या अभिषेक शर्मा दो में किसी एक को ड्रॉप करके भी चलेंगे, क्योंकि दोस्तों दोनों ही चेस करते उतना खास रिकॉर्ड इनका है नहीं और भाई सिलेक्शन इनका हाई रहने वाला सभी की टीम में दोस्तों रहने वाले हैं। अनमोल प्रीत सिंह की करें तो 0 और यहां पे 5 41 37 205 हिसाब से इनका जो अदर फॉर्मेट में मैच था गाइस। अगेन और वेन्यू कोई मैच नहीं, हालांकि आईपीएल का 9 मैच में 139 रन 15 का औसत उतना ठीक नहीं है दोस्तों। अगर खेलता है गाइस तो स्मॉल लीग में ट्राई कर लीजिएगा, बाकी जीएल में कहीं ना कहीं दोस्तों रिस्की रहेगा, फिर आप जीएल में बिल्कुल ड्रॉप करके चल सकते हैं। अगले खिलाड़ी दोस्तों यहां पे क्लासन, जो कि आप देख रहे हैं 42 और 20 7 15 67 गाइस, ये विकेट कीपिंग सेक्शन से भी आपको मिलते हैं तो पॉइंट तो जरूर देंगे। और अगेन एमआई 4 मैच में 134 का होता है, वेन्यू पे 1 मैच में 18 रन की पारी है। टीम सिलेक्शन की बात करेंगे तो खिलाड़ी बढ़िया है, कहीं कहीं फर्स्ट बैट करते हुए आप हेड और क्लासन का सीबीसी का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। चेस करते हुए भी दोस्तों ये खिलाड़ी बढ़िया खेलता है, हालांकि चेस करते हुए अभी तक उतने अच्छे रन दिखाई नहीं दिए। चेस करते हुए सिर्फ और सिर्फ दोस्तों केकेआर के गेस में ही स्टार्टिंग में इसने रन बनाए थे, काफ़ी बढ़िया खेला था। बाकी अगर हम टीम में रखने की बात करें तो टीम में तो रखना ही पड़ेगा, विकेट कीपर है और कैचेस भी दोस्तों मिल जाते हैं, तो फिर वहां से पॉइंट तो आपको दे करके जाने वाला है। बाकी दोस्तों अगले खिलाड़ी यहाँ पे नितेश रेड्डी, जो कि आपको बताया कि अगर यहाँ पे फिर से एडम मार्कम नहीं खेलते तो फिर अगर एडम मार्कम खेलेंगे तो मार्को जेंसन या किसी अदर फॉरेन प्लेयर को दोस्तों बैठना होगा, तो चांसेस अगर यहाँ पे एडम मार्कम के फिर से नहीं बनते लाइनअप पर दोस्तों, तो फिर से ये खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और यूनिक सीवीसी भी ट्राई कर सकते हैं ट्रम कार्ड के तौर पर दोस्तों, क्योंकि बॉलिंग भी कर रहा है और बैटिंग भी दोस्तों आपने देखा इस खिलाड़ी की बैटिंग मिली तो तेज खेला है। यहाँ पर देख सकते 37+2 विकेटें 13 रन, यहाँ पर बॉलिंग नहीं मिली 15+0 76+0, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा सीवीसी के लिए दोस्तों। बाकी अगेन एक मैच है बैटिंग नहीं भेजी दोस्तों, एक मैच है बैटिंग नहीं, जो कि हैदराबाद में जो मैच हुआ था गाइस वहाँ पर फिलहाल नीतीश कुमार रेड्डी को ना ही बैटिंग दी गई और ना ही दोस्तों बॉलिंग दी गई थी। बाकी मैं आपको बताऊं एक चीज कि देखिए हैदराबाद जहां तक मैच जीतना चाहेगी, क्योंकि वो अपने पॉइंट्स कम नहीं करना चाहेगी इस, क्योंकि फिलहाल सीएसके पीछे लगी हुई है, तो उस कंडीशन में हैदराबाद तरफ से एक खिलाड़ी बढ़िया खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब्दुल समद 19 और 10 13 37 25 हिटर बैट्समैन, अगेन 5 मैच 38 रन 9 का औसत है। वेन्यू दोस्तों मैच नहीं, हालांकि खेलेगा तो फिर से आपको 30 से 35 पॉइंट्स की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि एडम मार्कम नहीं खेल रहे हैं, सारे तेज खेलने वाले खिलाड़ी टॉप ऑर्डर पर मिल रहे हैं, तो विकेट अगर जल्दी गिरती गई तो चेस करते हुए मुझे जहां तक ज्यादा उम्मीद हो सकती है अब्दुल समद से दोस्तों, ठीक है। बाकी सवाज अहमद बॉलिंग कर लेते हैं, बैटिंग कर लेते हैं, हालांकि बैटिंग की उम्मीद जहां तक नहीं होगी क्योंकि नितेश रेड्डी इनसे ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में बॉलिंग की उम्मीद तरीका स्पिनर है, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उम्मीद हमें कम रखनी चाहिए इनसे। अगेन 5 मैच 2 रन और दोस्तों 1 विकेट है। वेन्यू पे 7 मैच में 108 रन और दोस्तों 2 विकेटें हैं, हालांकि बैटिंग मिलेगी तो रन बनाएगा, बाकी चांस थोड़े से कम है, अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अगले खिलाड़ी रहने वाले मार्को जेंसन, जो कि दोस्तों लास्ट मैच इन्होंने खेला विकेट नहीं, यहाँ पे विकेट नहीं और खिलाड़ी बढ़िया ऐसा नहीं है। अगेन एमआई 1 मैच में 2 विकेट है, वेन्यू पे दोस्तों 1 मैच में 0 विकेट है, खिलाड़ी बढ़िया है, टीम में जहाँ तक लेकर के चलेंगे और पेसर है दोस्तों खास करके, तो विकेट यहाँ पे इस खिलाड़ी को मिल सकते हैं, स्टार्टिंग में भी आता है दोस्तों, दिन में भी ये बॉलिंग कराते हुए नजर आ सकता है आपको। बाकी यहाँ पे पैट कमिंस की बात करेंगे तो लगातार यहाँ पे देख सकते हो 2 विकेट, यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे दोस्तों 3 विकेट, ठीक है। अगर अगेन बात करेंगे 8 मैच में 12 विकेटें एमआई के, वेन्यू पे 3 मैच में 2 विकेटें, टीम में रखने की बात करेंगे तो एमआई के गेस्ट में दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई विकेट तो चटकाएगा पैट कमिंस और भाई खेलेगा बढ़िया, ठीक है, तो टीम में आप लेकर के चलिएगा। बाकी भुवनेश्वर कुमार को दोस्तों आप फर्स्ट बॉल करते हुए कहीं ना कहीं टीम में रखेगा, हालांकि आपने जो इनका रिसेंटली परफॉर्मेंस देखा वो दोस्तों चेज करते हुए था 3 विकेट, ठीक है, खिलाड़ी बढ़िया है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 1 और 0 के, क्योंकि आपको पता है भाई यॉर्कर कहीं ना कहीं बढ़िया कर लेता है और कहीं ना कहीं दोस्तों ये बॉल स्टार्टिंग में आपको दिखाई देता है, तो भाई एमआई की तरफ से बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, आप देख रहे हैं ईशान किशन रोहित शर्मा, जहां तक सूर्य कुमार यादव भी 1-2 मैच में फ्लॉप है तो विकेट मिल सकती है दोस्तों इस खिलाड़ी को फिर से। अगेन एमआई 11 मैच में 13 विकेटें, वेन्यू पे 9 में 8 विकेटें, हालांकि सिलेक्शन थोड़ा सा बढ़ गया होगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी जब भुवनेश्वर को रख रहे हैं तो मार्को जेंसन को दोस्तों ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि मार्को जेंसन तो जो है दोस्तों बैटिंग उम्मीद नहीं करेंगे, बॉलिंग ही करेंगे, तो 2 में किसी 1 को रखना है हमें। नटराजन की बात करेंगे 2 और यहाँ पे 1 2 4 1 गए,
अगेन MI 4 में 2 विकेटें, वेन्यू पे 2 में 1। तो ये खिलाड़ी देखिए सिलेक्शन हाई है और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सभी की टीम में रहेगा। थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं ड्रॉप करने का क्योंकि MI के गेस में परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वेन्यू पे दोस्तों ठीक नहीं है। ठीक है, बाकी बात करें यहाँ पे उनाडकर की तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड बन सकता है। ठीक है, अगेन MI 10 मैच में 13 विकेटें, वेन्यू दोस्तों 9 में 10 विकेटें, विकेट निकालेगा ध्यान रखिएगा, और उनाडकर आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है। बात करते हैं मुंबई इंडियंस टीम के बारे में, जो क्या स्क्वाड है, किस हिसाब से बैटिंग ऑर्डर रहेगा। ओपनिंग दोस्तों आपको रोहित शर्मा, ईशान किशन देखने को मिल जाएंगे और लगातार आप देख रहे हैं कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं है। फिर नमन देर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, नियाल वदेरा, हार्दिक पंड्या, अगेन आपको मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे टीम डेविड क्वैटजी एंड यहाँ पे पीयूष चौला, जसप्रीत बुमराह और नुमान तुसरा। देखिए यहाँ पे इनके मेन बॉलर्स तो ये चार ही हैं, हालांकि यहाँ पे आपको पता है कि हार्दिक पंड्या भी यहाँ पे ओवर कराते हैं गाइस। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन रही तो फिर आपको हार्दिक पंड्या के ऊपर CVC का रिस्क लेना होगा अगर यही दोस्तों बॉलिंग इनकी रहती है तो, क्योंकि दोस्तों चार ओवर तो फिर पूरे के पूरे हार्दिक पंड्या कराने वाले हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों आपको नुमान तुसरा, बुमराह और यहाँ पे क्वैटजी मिलेंगे, जिसमें आपको बुमराह, नुमान तुसरा, हार्दिक पंड्या। अगेन दोस्तों आप बात करेंगे यहाँ पे हर खिलाड़ी के बारे में, किसको रखना है, किसको ड्रॉप करना है। रोहित शर्मा लगातार 4 मैचेस से फ्लॉप है दोस्तों, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अगेन SRS 16 मैच 347 रन 21 का औसत है, वेन्यू पे 41 मैच 1132 रन 31 का औसत है। अब दोस्तों देखिए यहां पे इस वेन्यू पर ये फर्स्ट बैट करते हुए फ्लॉप है, चेस करते हुए फ्लॉप है, हालांकि CSK के गेस में इन्होंने शतक लगाया था चेस करते हुए। देखिए इस रोहित शर्मा अभी भी सिलेक्शन का हाई है, बट दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि जिस भी टीम में आप रखें कैप्टन करके रखेगा, ठीक है, यूनिक कैप्टन आपके लिए साबित हो सकते हैं, और अदरवाइज सभी टीम से फिर ड्रॉप करके चलिए। अगर आप 3 टीम मान के चलिए बनाते हैं तो फिर आपको जो एक टीम में इनको रखना है कैप्टन करना है। ठीक है, बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं क्योंकि हैदराबाद के गेस में इन्होंने दोस्तों रन बनाए थे जो कि हैदराबाद की पिच पर। अगले खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पे रहते हैं जो इनके साथ ओपन करते हैं, ईशान किशन, जिनके परफॉर्मेंस की बात करेंगे 13 और 32, 20, 0। हालांकि दोस्तों ड्रीम टीम में देखने को मिल जाते हैं क्योंकि 15 से 20 रन अगर बनाते हैं तो विकेट कीपिंग करते हैं तो फिर कैचेस भी मिल जाती हैं। लेकिन जो कि फिलहाल SRS 12 मैच में 376 रन 31 का औसत है, वेन्यू पे 30 मैच 708 रन 35 का औसत है, रिकॉर्ड दोस्तों बढ़िया है। हालांकि रोहित शर्मा और ईशान किशन को जहां तक मैं चेस करते हुए यार CVC भी ट्राई करना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा इस मैच में जिस टीम में हम करेंगे दोनों टीम खिलाड़ियों को रखेंगे उस टीम में दोस्तों। ठीक है, बाकी थोड़ा सा रिस्की लग रहा होगा बट दोस्तों करना चाहिए क्योंकि ये मैच आपके लिए बढ़िया हो सकता है क्योंकि इनके ऊपर दोस्तों कोई भरोसा करके नहीं चल रहा है। बाकी बात करेंगे नमन देर 11+0, 0 यहाँ पे 30, यहाँ पे 20+0, 11+1। अगेन दोस्तों हैदराबाद 1 मैच में 30 रन, वेन्यू पे 2 मैच में 11 रन। हालांकि टीम सिलेक्शन की बात करेंगे ट्रम्प कार्ड बन सकता है, सिलेक्शन कम होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगले खिलाड़ी रहेंगे सूर्य कुमार यादव, जो कि फिलहाल आपको पता है कि टीम में रखना ही रखना है। CVC की बात करेंगे ट्राई कर सकते हैं, अच्छा रन बना रहा है, 56 यहाँ पे 10, 26, 10, 78 गाइस। हालांकि मैं करूंगा तो गाइस फिर आप समझे कि पूरा के तरीके से फ्लॉप है क्योंकि दोस्तों मैंने जितने भी मैचेस में इसको कराया भाई कैप्टन तो वो फ्लॉप गया जरूर है, तो आप लोग कर लीजिएगा, बढ़िया खिलाड़ी है। बाकी यहाँ पे तिलक वर्मा लगातार 2 मैचेस से फ्लॉप है। अगेन हैदराबाद 3 मैच 109 रन 36 का होता था, वेन्यू पे 13 मैच 274 रन 27 का होता था। हालांकि जो हैदराबाद में मैच हुआ गाइस वहाँ पे इसने अर्धशतक से भी ज्यादा रन बनाए थे। ठीक है, तो कंडीशन ठीक होगी तिलक वर्मा को दोस्तों अगर हम रखेंगे तो फिर उस टीम में रोहित शर्मा, ईशान किशन दो में किसी एक को फिर रखेंगे या दोनों को ड्रॉप करने का रिस्क लेंगे। फिर निहाल वदेरा की बात करेंगे तो रिसेंट 46 की हाई पारी 49। देखिए नमन दीर और निहाल वदेरा ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो गए जब दोस्तों आप ईशान किशन, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा तीन खिलाड़ियों में किसी दो को ड्रॉप करने का रिस्क लेते तो आपके लिए ट्रम्प कार्ड बनेंगे क्योंकि दोस्तों तीनों ही करेंगे रिसेंट 2-3 मैचेस में फ्लॉप चल रहे हैं। बाकी हार्दिक पंड्या CVC आपके लिए बढ़िया होंगे ध्यान रखिएगा, बॉलिंग कराएंगे, बैटिंग भी दोस्तों करेंगे ध्यान रख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे इनको यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन और सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन आपके लिए बढ़िया रहेंगे। टीम डेविड थोड़ा सा नीचे बैटिंग, हालांकि जल्दी विकेटें गिरती गई तो इनका बल्ला चलता है और हर मैच में ड्रीम टीम में आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए उसी हिसाब से अगर आप टीम बनाते हैं, ठीक है, और जैसे कि मतलब फिर से स्टार्टिंग के 3 बॉल्स ये टीम पहले बैटिंग करते तो 3 बैट्समैन ड्रॉप करते हैं, ठीक है, इस टीम के, तो फिर कहीं ना कहीं उस कंडीशन में आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि भाई 5वें 6वें नंबर पर बैटिंग करने आ जाता है और आप देख रहे हैं 24, 35, 37, 3 और 14 मतलब ड्रीम टीम का खिलाड़ी फिर रहता है। अगेन हैदराबाद के भी 52 का औसत है, वेन्यू भी 40 का औसत है, तो बढ़िया खिलाड़ी है। हालांकि वो कंडीशन कैसी रहेगी वो आपको टीम में देखने को मिल जाएगी। क्वैटजी 0-1-0-3, हालांकि बॉलर बढ़िया, विकेट नहीं मिले हैं, बाकी यार ट्रम्प कार्ड के तौर पर थोड़ा सा सोचेंगे जरूर। एंड दोस्तों पीयूष चौला लास्ट मैच में विकेट है, स्पिनर को इतनी खास विकेट नहीं तो मैं ड्रॉप करना चाहूंगा। बाकी दोस्तों बुमराह तो आपके लिए CVC का फिर से यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं जब दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद पहले बैटिंग करती है। 13 मैच में 18 विकेटें, वेन्यू पे 35 में 52 विकेटें गई, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे नुमान तुसरा लास्ट मैच में विकेट है, दोस्तों ट्रम्प कार्ड होंगे, ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे प्लेयर बैटल के बारे में बात करते हैं, यानी कि प्लेयर मैचअप क्या रहेगा। आपको मिलेंगे MI की तरफ से रोहित शर्मा, जो इनको पैट कमिंस ने 3 बार आउट किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में आएंगे, नटराजन ने भी 1 बार आउट किया है, बाकी थोड़ा सा इस मैच में रन बनाते हुए नजर आ सकते हैं। अगर भाई पैट कमिंस ये बचते हैं तो आपको अच्छी खासी पारी खेलते हुए नजर आएंगे। अगेन यहाँ पे बात करते हैं ईशान किशन की, पैट कमिंस इनको 3 बार आउट कर चुके हैं। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे शहबाज अहमद 1 बार आउट किए
और भुवनेश्वर कुमार ने भी एक बार आउट किया है एंड मार्को जेनसन ने भी दोस्तों एक बार आउट किया। तो ईशान किशन थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं, विकेट कीपर है इस वजह से दोस्तों थोड़ी सी मजबूर। अगर आप दो टीम बनाते हैं तीन बनाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं रिस्क जरूर लीजिएगा ड्रॉप करने का। बाकी यहाँ पे सूर्य कुमार यादव जेनसन ने इनको एक बार आउट किया है, पैट कमिंस ने एक बार आउट किया है एंड यहाँ पे तिलक वर्मा इनको भुवनेश्वर ने एक बार आउट किया है और पैट कमिंस ने भी दोस्तों एक बार जो है आउट किया हुआ है। अगले खिलाड़ी यहाँ पे जो इस टीम से मिल रहे हैं आपको हार्दिक पंड्या, इनको जो है सरफराज अहमद ने एक बार आउट किया है। बाकी यहाँ पे उनाडकर ने भी एक बार आउट किया है, भुवनेश्वर ने भी दोस्तों एक बार आउट किया, पैट कमिंस ने भी एक बार आउट किया है। टिम डेविड, मार्को जेनसन बॉलिंग करे आउट नहीं है, हालांकि किसी भी बॉलर के साथ दोस्तों इनका मैचअप नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पे हैदराबाद की तरफ से जो आपको खिलाड़ी मिला है ट्रेविस हेड, इनको क्वेटजी ने दोस्तों एक बार आउट किया, ठीक है ध्यान दीजिएगा, बाकी किसी के साथ इनका मैचअप नहीं है। एंड फिलहाल अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, पीयूष चौहान दो बार आउट किया है एंड बुमराह ने एक बार आउट किया है और हार्दिक पंड्या ने दोस्तों एक बार आउट कर चुके हैं। एडम माकम जो कि खेलने की उम्मीद अगर रखते हैं यहाँ पे खेलते हैं इस मार्को जेनसन की जगह पे, तो आप लोग देख लीजिए साइफर ने दो बार आउट किया, हार्दिक पंड्या एक बार आउट कर चुके हैं, अनमोल प्रीत सिंह को यहाँ पे जो कि अंशुल कंबोज जो कि फिलहाल प्लेइंग में दोस्तों नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्लेसन को यहाँ पे हार्दिक पंड्या ने बॉलिंग कराई आउट नहीं है, जो कि आकाश माधवल ने एक बार आउट किया है, पीयूष चौहान ने एक बार आउट किया है, अब्दुल समद को यहाँ पे दोस्तों जो है फिलहाल बुमराह ने एक बार आउट किया। बाकी दोस्तों देखिए स्मॉल लीग अभी हम यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको स्मॉल लीग जो मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल मिलेगी। अभी के लिए दोस्तों हमारी दो जीएल टीम रहेगी, हालांकि जिस टीम के बारे में हमने बताया कि रिस्की टीम होगी जिसमें रोहित शर्मा कैप्टन होंगे, वो टीम का कॉम्बिनेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। पहली टीम दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अगर यहाँ पे हैदराबाद दोस्तों पहले बैटिंग करती है तो फिर ये वाली टीम हमारी रहेगी जिसमें ट्रेविस हेड के साथ हम कैप्टन करेंगे, वाइस कैप्टन यहाँ सूर्य कुमार यादव को बनाएंगे, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, क्लासेन एंड यहाँ पे अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, पैट कमिंस, नीतीश रेड्डी, बुमराह और यहाँ पे दोस्तों नटराजन की जगह पे आपको जगह दी है मैंने कि आप इस खिलाड़ी को ड्रॉप करके इसके जगह पे दोस्तों भुवनेश्वर कुमार को ट्राई कर सकते हैं या तो उनाडकट को ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हैदराबाद चेज करती है, एमआई पहले बैटिंग करती है, ईशान किशन, क्लासेन, सूर्य कुमार यादव, ट्रेविस हेड एंड यहाँ पे ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, पैट कमिंस, रेड्डी, बुमराह, वाइस कैप्टन नटराजन और दोस्तों भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। नटराजन की जगह पे आप रिप्लेसमेंट कर लीजिए, किस खिलाड़ी को करेंगे तो आपके सामने ये ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है जैसे कि वदेरा, नमनदीन, इनके बारे में मैंने आपको बताया कैसे यूज करना, सवाज अहमद, क्वेटजी, उनाडकट, पीयूष चौहान, तुषारा, आप तुषारा को भी ट्राई कर सकते हैं अगर दोस्तों यहाँ पे मांग चलिए कि एसआरएस चेस करते हैं, क्योंकि एसआरएस चेस करते हैं थोड़ी सी बट डगमगाती है, रन नहीं बना पाती और बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा फ्लॉप हो जाता है, आप समझ रहे होंगे। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट और फाइनल फ्री टीम आपको दोस्तों वहीं पे देखने को मिल जाएगी। चलिए मिलेंगे नई वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।